Hello, welcome to the Agritopus Academy YouTube channel. As you know, we have completed whole the agronomy part. So today we will start soil science. Without wasting time, let's start our lecture. Soil science. Here some important points are given, which are: first is canker nodules are mostly found in red soil. What are the canker nodules? Canker nodules are nothing but the concentrate of calcium carbonate. They are mostly found in gangetic plain soil or bangar soil. Second is, process of moving out of sesquioxide oxide from the soil is known as podzolization. And एक और यहाँ पे टर्म आता है लेटराइजेशन. लेटराइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सिलिका इंस्टेड ऑफ सेस्क्योक्साइड. नेक्स्ट टर्म है पेडोटर्बेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल नेचुरली. इट इंक्लूड्स डिगिंग बाय एनिमल्स एंड अपरूटिंग ऑफ ट्रीज. नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल विच इज हैविंग मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इज नॉन एज ऑर्गेनिक सॉइल. नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ मिनिमा वॉज प्रपोज्ड बाय जे वी लीबेक इन 1848. नेक्स्ट पॉइंट इज ओ होरिजन इज एबसेंट इन विच सॉइल. तो इट इज एबसेंट इन एरेबल सॉइल. एरेबल सॉइल का मतलब होता है ऐसी सॉइल जिसमें हम कल्टिवेशन करते हैं और जिसमें हम प्लोइंग टीलेज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. बट ओ होरिजन इज प्रेजेंट इन वर्जिन सॉइल. वर्जिन सॉइल का मतलब है जिसे कल्टिवेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, उस सॉइल में ओ होरिजन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट है टॉप मोस्ट मिनरल होरिजन इज ए होरिजन. नेक्स्ट पॉइंट इज द डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज लेस देन 0.002 mm. इन द डायमीटर ऑफ सैंडी पार्टिकल्स आर 2 to 0.2 mm. द पार्टिकल साइज ऑफ सिल्क पार्टिकल्स आर 0.2 to 0.002 mm. नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉइल स्ट्रक्चर विच इज बेस्ट फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड एज क्रम्बी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल इज 2.65 g/cc. द बल्क डेंसिटी ऑफ जनरल सॉइल इज 1.33 g/cc. ऑलवेज रिमेंबर डेट पार्टिकल डेंसिटी इज ग्रेटर देन बल्क डेंसिटी. नेक्स्ट पॉइंट है द टोटल पोर स्पोर इज हाइएस्ट इन क्लेई सॉइल. नेक्स्ट पॉइंट इज केओलिनाइट इज अ टाइप ऑफ 1:1 नॉन एक्सपांडिंग टाइप ऑफ मिनरल. केओलिनाइट इज अ सिलिकेट क्ले. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट्स दिस सिलिकेट क्ले आर क्लासिफाइड इनटू 1:1 टाइप, 2:1 टाइप एंड 2:2 टाइप. सो एग्जांपल ऑफ 1:1 टाइप ऑफ मिनरल इज केओलिनाइट. इन केओलिनाइट वन टेट्राहेड्रल एंड वन ऑक्टाहेड्रल शीट इज प्रेजेंट. नेक्स्ट पॉइंट है माउंट मोरिनोनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल. सो इट इज अ 2:1 एक्सपांडिंग टाइप ऑफ मिनरल. सिलिकेट क्ले को अगेन हम टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक्सपांडिंग एंड नॉन एक्सपांडिंग टाइप. सो ये जो माउंट मोरिनोनाइट है वो वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लूज हो जाता है, इसीलिए हम इसे एक्सपांडिंग टाइप ऑफ मिनरल बोलते हैं. एंड इसमें 2 silica and 1 aluminium शीट प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्मिक्यूलेट. वर्मिक्यूलेट इज द अगेन इट इज अ 2:1 बट लिमिटेड एक्सपांडिंग टाइप ऑफ मिनरल. नेक्स्ट पॉइंट है क्लोराइड्स आर टाइप ऑफ 2:1:1 टाइप मिनरल. Means it consists of 2 silica, 2 magnesium and 1 alumina. Next point is the recently developed soil formed from the soil which order that has no diagnostic horizon. It is anti-soils. Next point is the black cotton soil are found in Maharashtra. Or black cotton soil cotton cultivation ke liye best rehti hai. Next point is the weight of furrow slice of soil is 2.25 × 10⁶ kg/ha. Next, the 1 cm of surface soil over 1 ha of land is 150 tons. The permissible soil loss by water is 12 tons/ha. Chief constituent of sandy fraction is quartz. The most dominant mineral on the earth crust is feldspar. It is 48%.
नेक्स्ट पॉइंट है, विच पल्स क्रॉप डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? इट इज राजमा। जैसा कि हम जानते हैं, जितनी भी पल्सेस क्रॉप होती है वो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, लेकिन राजमा एक ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। द फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया इज SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय ICR इन 8 ग्रुप्स, आउट ऑफ 8 5 आर मेजर विच आर एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट इज द एपिकल बड डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय ऑक्सिन हार्मोन। द क्रॉप विच एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन इन अमोनिकल फॉर्म डायरेक्टली आर पेडी एंड पोटेटो। हमने एग्रोनॉमी में भी देखा था कि राइस कल्टीवेशन के लिए हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते, हम अमोनियम फर्टिलाइजर्स को ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन राइस अमोनिकल फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन रिड्यूस जोन ऑफ सॉइल, व्हाइल द नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन ऑक्सीडाइज जोन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट है, मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट इज नाइट्रेट फॉर्म। मेजर प्लांट्स नाइट्रेट फॉर्म में ही एब्जॉर्प्शन करते हैं नाइट्रोजन का, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अमोनियल फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज पैडोन। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सॉइल इज ड्यू टू डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट इज इन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बल्क डेंसिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट है, इन रेड सॉइल केओलाइट इज द डोमिनेंट क्ले मिनरल फाउंड इन रेड सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेड सॉइल आर रेड इन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लैक सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एंड इन ब्लैक सॉइल द डोमिनेंट क्ले मिनरल इज मोंटमोरिलोनाइट। ब्लैक कॉटन सॉइल आर डेफिशिएंट इन जनरली नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। एजोला इज वाइडली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द राइस क्रॉप। एजोला इज अ एक्वेटिक फर्न। सॉइल पार्टिकल्स हैविंग डायमीटर लेस देन 0.001 mm इज नोन एज कोलोइडल प्रॉपर्टी। द टर्म कोलोइड्स वॉज फर्स्ट गिवन बाय ग्राम इन 1861। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3। इट इज ऑल्सो नॉन एज सोडियम बायकार्बोनेट। द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट इज USA इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीरो टीलेज। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज यूज टू एक्सप्रेस द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। पोलन स्टेरिलिटी इन वीट इज ड्यू टू बोरोन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज द बेलास्ट एलिमेंट्स आर एल्यूमिनियम एंड सिलिकन। बेलास्ट एलिमेंट्स मीन्स दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंस क्वांटिटी बट देयर एब्सेंस मे नॉट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट इज कॉल्ड एज बेलास्ट एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इन विच स्टेट रेड सॉइल्स आर डोमिनेंट। सो इट इज डोमिनेंट इन तमिलनाडु। इन विच स्टेट लैटेराइटिक सॉइल्स आर डोमिनेंट। इट इज डोमिनेंट इन कर्नाटका एंड केरला। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन इंडियन सॉइल इज जनरली लेस देन 0.5%। मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज सन हैम, दैट इज क्रोटो लेरिया जुनसिया। वुड इज मेनली अ डिकम्पोज बाय एक्टिनोमाइसिटीज। इट इज अ टाइप ऑफ फंजाय। नेक्स्ट पॉइंट इज निफ जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट है, द पॉपुलेशन ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज इज हायर इन एल्केलाइन सॉइल। द फाइन टेक्सचर्ड सॉइल आर मोर सेंसिटिव टू वॉटर इरोजन।
नेक्स्ट पॉइंट है द सॉइल विच आर मोस्ट सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर सैंडी लोम सॉइल. नेक्स्ट पॉइंट है राइस कैन टॉलरेट वेरी लो लेवल इवन कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सॉइल. नेक्स्ट पॉइंट इज द डिजायर्ड साइज ऑफ सॉइल सैंपल फॉर सॉइल टेस्टिंग इज 0.5 to 1.0 kg. The crop having the highest tolerance to boron is sugar beet. Insoluble fraction of organic matter is humin. Lowering of the bulk density of soil indicates better physical properties. Next point hai, PPM is equals to 0.001% and 1 ppm is equals to 1 mg. Next point is red soils are found in Tamil Nadu. The element which required for seed formation is phosphorus. Next यहाँ पे term दी है oxidation and reduction. Oxygen का मतलब होता है addition of oxygen and removal of hydrogen. And reduction means addition of H2 gas and removal of O2. And loss of electron is called as oxidation and gaining of electron is called as reduction. Next point is on the number basis population of microbes in normal soil is bacteria greater than actinomycetes greater than fungi. नॉर्मल सॉइल में सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज एंड देन आती है फंजाई. नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929. नेक्स्ट पॉइंट इज ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग वेराइटी इज सेलेक्शन. जिंक डेफिशियंसी इट प्रोड्यूस्ड इन कैलकेरियस सॉइल. In weed infested pond, mostly fishes are suddenly die due to the oxygen deficiency. Next point hai, due to the water logging, the availability of which nutrient is increased in rice field? So it is manganese. Bulk density of subsoil is higher as compared to surface soil. Next term hai, active acidity. Active acidity ka matlab hota hai presence of H+ and aluminium in soil solution make it active acidic. Next point hai soil texture. Soil texture is an inherent property of soil. It can't be changed. Soil texture mein aata hai silt, sand and clay. Ye jo particles hain soil ke, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ये सॉइल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर ही ये पार्टिकल्स बनते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोविजन ऑफ एडुक्वेट ड्रेनेज इज द बेसिक प्रिंसिपल इन रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल. नेक्स्ट पॉइंट इज एल्यूवियल सॉइल्स मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल विथ नो डायग्नोस्टिक हॉरिजन. Red soil are best suitable for agriculture. Many paddon within defined limit is called as soil series, that is basic unit of soil class. Chisel plow are also used to break hard panes of soil even at 60 to 70 centimeter depth. Next point is in general plows are used for primary tillage and harrows for secondary tillage. In zero primary tillage is completely avoided and secondary tillage is restricted to seedbed preparation in root zone only. Next term hai soil erosion. Soil erosion ka meaning hota hai the detachment and transportation of soil particles by the water, wind is known as soil erosion. जब भी विंड और वाटर की वजह से सॉइल के पार्टिकल सॉइल की सरफेस से डिटैच्ड हो जाती हैं और एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है उसे हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. द पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर लाइंग बिटवीन फील्ड कैपेसिटी टू विल्टिंग कोफिशियंट इज नोन एज अवेलेबल वाटर. अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर्स मिलते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर. इनमें से प्लांट्स ओनली कैपिलरी वाटर को ही यूज करता है.
इसीलिए हम इसे अवेलेबल वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टिलेज, इट इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल फॉर लूजनिंग द सरफेस क्रस्ट एंड इट ब्रिंग्स अबाउट फेवरेबल कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। टिलेज प्रोसेस में हम सॉइल की अपर सरफेस को लूज कर देते हैं जिसकी वजह से सीड्स इजीली जर्मिनेट कर सके और प्लांट की जो रूट्स हैं वो इजीली सॉइल को पेनिट्रेट कर सके। और ऐसी सॉइल जिस पे हम टिलेज परफॉर्म करते हैं, जिस पे टिलेज किया गया है, उसे हम टिल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेजेस ऑफ विंड इरोजन, इट इज सॉल्टेशन, देन सस्पेंशन एंड देन सरफेस क्रीप। एंड द स्टेजेस ऑफ वाटर इरोजन इज स्प्लैश, शीट, रिल एंड गली। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल इज रेंजेस फ्रॉम लेस देन 0.02% इन सब सॉइल टू मोर देन 2.5% इन पेट्स। नेक्स्ट टर्म है वाराबंडी, इट इज नथिंग बट द रोटेशनल सप्लाई ऑफ वाटर इन केनाल इरिगेटेड एरियाज। नेक्स्ट पॉइंट है केबेज इज हाईली सेंसिटिव टू बोरोन टॉक्सिसिटी। द मोस्ट कॉमन यूरियाज इनहिबिटर कॉमर्शियली अवेलेबल इज एग्रोटेन और NBPT। एंड रिसेंटली ATS अमोनियम थायोसल्फेट इज यूज एज अ यूरियस इनहिबिटर। नेक्स्ट पॉइंट है H2PO4- इज ग्रेटेस्ट एब्सॉर्ब बाय द एसिडिक सॉइल हैविंग pH लेस देन 6.5। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉस्फेट आयन इज एब्सॉर्ब एट हायर लेवल ऑफ pH मीन्स इन स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल। द अपटेक ऑफ HPO4-2 इज मच लोअर देन H2PO4-। नेक्स्ट टर्म इज चिलेट, चिलेट्स का मतलब होता है इसमें एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कंबाइन कर लेता है, केटायंस को कंबाइन करके रखता है, लाइक आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। एंड इसका एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। एंड ये चिलेट्स स्लोली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता रहता है। नेक्स्ट टर्म इज पेडल फर, पैडल फर का मतलब होता है जब भी सॉइल के लोअर हॉरिजन्स में सेस्क्यू ऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसे हम पैडल फर बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट। एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल के पूरे बल्क में जब पार्टिकल्स कंबाइन कर लेते हैं उस टर्म को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एंड एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है जब भी पार्टिकल्स ओनली सरफेस पर ही कंबाइन करते हैं उसे हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सन हैम, इट इज बेस्ट सुटेड क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्योरिंग। इट एक्यूमुलेट हायर अमाउंट ऑफ 134 kg पर हेक्टेयर फॉलोड बाय डेंचा। नेक्स्ट पॉइंट है सेस्बानिया रोस्टेटा में स्टेम नोड्यूल्स मिलते हैं, इसीलिए ये एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। एंड ऑल्सो इट इज यूज एज एन ग्रीन मैन्योर क्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट इज फोलियर स्प्रेइंग इज यूजली अप्लाइड विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक मैटर इज अ मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ सरफेस सॉइल इज ऑलवेज हायर देन द एटमोस्फियर। फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन pH द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयरन डिक्रीजेस बाय 100-fold। नेक्स्ट पॉइंट इज द आइडियल NPK रेशियो शुड बी 4:2:1 फॉर सीरियल्स एंड 1:2:1 फॉर पल्सेस। द मोस्ट वाइडली अकरिंग क्ले मिनरल इन सॉइल इज केओलिनाइट। अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर आर यूजफुल फाउंड इन पोरस रॉक फॉर्मेशन कॉल्ड एज एक्वीफर। द फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड विथ राइजोबियम कल्चर इज नोन एज नाइट्रोजीन एंड निफ जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। नेक्स्ट पॉइंट है इन एल्कलाइन सॉइल एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लेस देन 4 dC/m
and pH is greater than 8.5. It is also called as sodic soil. Next point is, mostly plant absorb micronutrients in reduced form in Fe+2 and in Mn+2. Next point is, a unit change in pH represent a tenfold change in H+ or OH- acidity. The substances added to the soil for improvement of their condition is known as amendments. The book Nature and Properties of Soil is written by N.C. Brede. Fertilizer which is most concentrates used for nutrient supply to crop is anhydrous ammonia, which is having 82% nitrogen. The complementary reactions between intercrop is anidation. Sandy soils have higher bulk density than the clay soil. Green leaf manuring crops are Clericidia aculata, Pongamia pinnata and Ipomoea cornea. And examples of green manuring crops are Crotalaria juncea, it is sun hemp, Sesbania aculata, Dhencha and Cowpea. Next point is, sheet stage of water erosion is the most dangerous because it is not noticed by the farmers. Next point is, plant geometry, it means the shape of plant. But the crop geometry means the shape of space available to plant. Next term is muck soil. Muck soil are having highly decomposed organic matter. Next term have pit soil. The organic matter partially decomposed and found under excessive moisture condition. The pH of pit soil is 3.9 and hence it is suitable for paddy crop. Next term is secondary clay minerals. A mineral that has been formed as a result of subsequent changes in rock is known as secondary minerals. The examples are kaolinite, montmorillonite, illite and gypsum. Next, yahan pe important points complete hote hain. Iske baad hum unit start karte hain soil science. The word soil is originated from Latin word solum, which means floor. Next point is definition of soil. Soil is a dynamic natural body having three-dimensional structure which are composed of minerals, organic matter as well as living forms in which the plant can grow. Next, yahan pe terminology di hai edaphology. It is the study of various properties of soil in relation to the plant growth, nutrition and yields. Edaphology term is derived from two Greek words, edaphos and logos, where edaphos means soil and logos means discourse. According to the edaphology, soil is a natural habitat for plants. Now second term is pedology. The study of origin, classification and description of soil is known as pedology, while the study of soil in relation to plant is known as edaphology. It is also a Greek term which is derived from two words, pedon and logos, where pedon means soil and logos means study. So these are two terms. Now next point is, father of soil science and pedology is known as Dokuchev. According to the pedology, soil is a natural body. Next point hai, types of rock. Mainly rocks three types ke hote hain, igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. Jaisa ki hum jante hain, igneous rock magma ke solidification se banta hai and sedimentary rock minerals or organic matter ke decomposition and sedimentation se banta hai and metamorphic rock, igneous rock and sedimentary rock mein jab chemical or physical changes aate hain to us time pe metamorphic rocks banti hai. Yahan pe kuch examples diye hain. Igneous rock ka example hai granite and basalt. Sedimentary rock ka example hai limestone, sandstone and dolomite and metamorphic rock ka example hai gneiss, marble, quartz and slate. यहाँ पे कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल दिए हैं एंड इनका पेरेंट मटेरियल भी दिया है, जैसे कि फर्स्ट है ग्नीस. ग्नीस बनता है ग्रेनाइट जो कि इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है. सेकेंड इज मार्बल. मार्बल इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइमस्टोन विच इज अ सेडिमेंट्री रॉक. थर्ड इज क्वार्ट्ज. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सैंडस्टोन
and fourth is slate. It is derived from shell. Next, here some important minerals are given. First is quartz. It is a chief constituent of sandy fraction of soil. It constitutes 36% of earth crust. The rock containing free silica in abundance, which is not combined with bases, are called as acidic rock. In granite, quartz is present in a pure form as a prominent constituent. And granite is an example of acidic rock. In basic rock like basalt, it contains in very little quantity. Now second is feldspar. Its formula is K2O Al2O3.6SiO2. Such mineral constituent about 48% of earth crust. Feldspar weather easily and give rise to clay on hydrolysis. तो अभी हमने देखा कि क्वार्ट्ज सैंडी फ्रैक्शन सॉइल में प्रेजेंट होता है और फेल्डस्पार क्ले सॉइल में प्रेजेंट होता है. थर्ड इज मिका. व्हाइट मिका इज मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग देन ब्लैक मिका. मिका टू टाइप्स के होते हैं, व्हाइट मिका एंड ब्लैक मिका. मिका आर मोर रेजिस्टेंट टू वेदरिंग देन फेल्डस्पार एंड अदर सिलिकेट्स. मिका कॉन्स्टिट्यूएंट्स 10% ऑफ अर्थ क्रस्ट. व्हाइट मिका को हम पोटेश मिका बोलते हैं. इट इज व्हाइट इन कलर, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज मस्कोवाइट मिका. व्हाइल द मैग्नीशियम मिका इज ब्लैक इन कलर एंड इट इज नोन एज बायोटिक मिका. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स से रॉक्स एंड मिनरल्स ब्रेक होते हैं एंड सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है जिसमें 200 टू 1000 ईयर्स लग जाते हैं. जोफे आइडेंटिफाइज टू काइंड्स ऑफ सॉइल फॉर्मर्स, पैसिव एंड एक्टिव. अकॉर्डिंग टू द जोफे, the formation of soil is determined by the relative influence of these passive and active factors, where the passive factors are parent material, relief topography and time, and the active factors are climate and organism. They are responsible for soil formation. According to the H. Jenny, the fundamental equation of soil forming factor is soil is a function of climate, organism, relief, parent material and time. He has given that equation. Next topic is soil profile. Soil profile is nothing but the vertical section of soil, जिसे हम soil horizons बोलते हैं. सॉइल के जो वर्टिकल सेक्शंस होते हैं उसमें इंडिविजुअल लेयर्स प्रेजेंट होती है एंड इन लेयर्स को हम हॉरिजन्स बोलते हैं. इट इज ग्रुप्ड इनटू ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन एंड सी हॉरिजन. फर्स्ट इज ओ हॉरिजन. इसे हम ऑर्गेनिक हॉरिजन बोलते हैं. इट इज जनरली फाउंड इन फॉरेस्ट सॉइल. इट इज प्रेजेंट इन वर्जिन सॉइल बट एब्सेंट इन एरेबल सॉइल. ऐसी सॉइल जिस पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं उसमें हमें ओ हॉरिजन देखने को मिलता है, लेकिन ऐसी सॉइल जिसमें प्लोइंग की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है, उस सॉइल में ओ हॉरिजन एब्सेंट होता है. सेकेंड इज ए हॉरिजन. इसे हम इल्यूवियल हॉरिजन बोलते हैं. इट इज द टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन. इट इज कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर which tends impart a darker color than that of lower horizons. A horizon को हम washing out zone बोलते हैं या फिर alluvial horizon बोलते हैं, क्योंकि A horizon में जो minerals होते हैं वो washed out होके B horizon में accumulate हो जाते हैं and इसे हम alluvial process बोलते हैं. इस horizon में nutrients का mobilization ज़्यादा होता है. ए हॉरिजन के भी थ्री सब हॉरिजन्स होते हैं, डेट इज ए वन हॉरिजन, ए टू हॉरिजन एंड ए बी हॉरिजन.
A1 हॉरिजन सबसे अपर मोस्ट हॉरिजन होता है, इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंड हॉरिजन है E और A2 हॉरिजन। ई हॉरिजन में सबसे ज्यादा एल्यूविएशन होता है ऑफ क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का। थर्ड हॉरिजन आता है AB और EB हॉरिजन। इट इज अ ट्रांजिशन हॉरिजन बिटवीन A एंड B हॉरिजन। नाउ सेकेंड इज B हॉरिजन। इट इज अ जोन ऑफ वॉशिंग इन, मीन्स जितने भी मिनरल्स A हॉरिजन से वॉश्ड आउट हुए थे वो B हॉरिजन में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यहाँ पर जो मिनरल है वो इमोबाइल कंडीशन में रहते हैं। इन एरिड जोन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड अदर सॉल्ट्स अकर। इन दिस हॉरिजन समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज सब सॉइल। इट कांट बी कल्टिवेटेड बाय टीलेज ऑपरेशंस। थर्ड हॉरिजन है सी हॉरिजन। इट इज अनकॉन्सोलिडेटेड मटीरियल अंडरलाइंग द सोलम। इट इज अ जोन ऑफ लीस्ट वेदरिंग। इन दिस जोन एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सीमेंटेशन अकर। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सॉइल में 45% मिनरल प्रेजेंट होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% एयर, स्पेस एंड वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यहाँ पे हम सॉइल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इट रेफर्स टू द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल सेपरेट्स बिलो 2 mm इन डायमीटर। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सॉइल टेक्सचर क्लासेस। द इंटरनेशनल पीपेट एंड बायोन्सी हाइड्रोमीटर मैथड आर मोस्ट कॉमन मैथड्स फॉर मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल सेपरेट्स। द इंटरनेशनल पीपेट मैथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन। द टेक्सचरल क्लासेस ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाई ट्राइंगुलर टेक्सचरल डायग्राम। टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस होती है, बट इसमें हम 3 मेन, सैंडी, सिल्ट एंड क्ले पढ़ते हैं। सैंडी सॉइल, सैंड इज प्रेजेंट इन मोर देन 85%। इन सिल्ट सॉइल, सिल्ट इज प्रेजेंट इन ग्रेटर देन 80%। एंड इन क्ले सॉइल, क्ले इज प्रेजेंट इन मोर देन 40% कंटेंट। क्ले सॉइल हैव हाईएस्ट पोर स्पेस देन अदर्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स के डायामीटर्स दिए हैं mm में। फर्स्ट इज ग्रेवल हैविंग डायामीटर ग्रेटर देन 2 mm। नेक्स्ट इज कोर्स सैंड हैविंग डायामीटर 2 to 0.2। फाइन सैंड हैविंग डायामीटर 0.02 to 0.2। सिल्ट 0.02 to 0.002। क्ले पार्टिकल्स हैविंग डायामीटर लेस देन 0.002 mm। नेक्स्ट टॉपिक इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल आर बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज दे रिटेन मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स देन सैंडी सॉइल। एंड इट इज हैविंग बेटर ड्रेनेज, एरेशन एंड टीलेज प्रॉपर्टीज देन क्ले सॉइल्स। इट इज सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स। सेकेंड इज हैवी सॉइल। द क्ले सॉइल इम्पार्ट्स कोहेशन एंड स्टिकीनेस एंड फाइन टेक्सचर टू द सॉइल एंड इट इंड्यूसेस रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इन अदर वर्ड्स इट मेक्स द सॉइल हैवी। दिस सॉइल आर सुटेबल फॉर कॉटन, राइस एंड सोरगम क्रॉप्स। हैवी सॉइल में जो सिमिलर क्ले पार्टिकल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है एंड वो टाइटली कंबाइंड हो जाते हैं। That is why it is heavy in nature. Next is light soil. Clay soil के comparison में sandy soil में कम resistance होता है for the implementation. Light soil में mechanization करना easy होता है. It consists of sandy particles. Light soil is suitable for groundnut, potato, tobacco and legumes. Hence the term heavy and light is refers to the degree of resistance offered by the soil to the passage of implements. कि जब भी हम soil में implements को use करते हैं तो उस time पे degree of resistance के basis पे हम इसे heavy and light soil में classify करते हैं।
But in real, the weight of heavy soil is less than light soil. Now, second topic is soil structure. Soil structure refers to the arrangement or grouping of primary soil particles of sand, silt and clay, and their arrangements into certain defined pattern is called as soil structure. It refers to the physical shape of soil aggregates. Soil structure का मतलब होता है जो soil के primary particles हैं sand, silt और clay वो किस type से arrangement हुए हैं और उनका structure कैसा है. Soil structure can be changed but soil texture is an inherent property, it cannot be changed. Soil structure can be changed by plowing, cultivating, drainage, liming and manuring. The primary particles are sand, silt and clay usually grouped together in form of aggregates and these natural aggregates are called as pads. Next term is clod. It is used for the coherent mass of soil broken into any shape of by the artificial means such as tillage. Next is classification of soil structure. Soil structure हम classify करते हैं three categories में, that is type, class and grade. Type defines the shape or form and arrangement pattern of pits, while the class defines the size of pits and grade means the degree of distinctness of pits. First is type of soil structure. There are four principal forms of soil structure. It is plate-like, prism-like, block-like and spheroidal. In plate-like structure, the horizontal dimensions are always larger than the vertical axis. जब भी soil के particles thick layer form करते हैं, इस structure को हम platy structure बोलते हैं. When they are thick, they are called as platy, but when they are thin, then it is called as laminar. Platy structure generally virgin soil में देखा जाता है, जिसमें cultivation नहीं किया गया है. This type is inherited from the parent material, especially by the action of water or ice. Second is prism-like. The vertical axis is more developed than horizontal axis in prism-like or pillar-like shape. It is vary in length from 1 to 10 cm. It is commonly occur in subsoil horizons of arid and subarid regions. When the tops are rounded, it is known as columnar and when the tops are flat, it is known as prismatic arrangement. Now third type is block-like arrangement. When all the three dimensions are of same size like length, breadth and height, it is known as block-like structure. It is having six faces. These types usually are confined to the subsoil and characteristics have much to do with soil drainage, aeration and root penetration. Now fourth is spheroidal or sphere-like. The rounded aggregates or plates not more than 2 cm in diameter, often in a loose condition in a horizon is known as spheroidal arrangement. This is specific to surface soil, particularly high in organic matter or grassland soils. In this structure, infiltration, percolation and aeration are not affected by wetting of soil. It is grouped into granular and crumbs. Granular means they have relatively less porous and they are fine aggregates of soil and it is good for crop cultivation. Second is crumbly. When granules are specially porous, it is known as crumbly and it is most suitable for cultivation of crop. Hence, both the granular and crumbly structure are most favorable for plant growth. Now, these are the types of soil structure. Now, next point is classes of soil structure. It is determined by the size of pits. Each primary structural type of soil is differentiated into five size classes. These are very fine, fine, medium, coarse and very coarse. And third is grades of soil structure. Grades indicates the degree of distinctness or durability of individual pads. It is determined by stability of the aggregates.
ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल. ग्रेड्स ऑल्सो डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड टेक्सचर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल स्ट्रक्चर. सॉइल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर. फर्स्ट पॉइंट है, जब भी हम सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं तो इससे सॉइल के अंदर एग्रीगेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज इंटेंसिव कल्टीवेशन. इट डिस्ट्रॉयज द सॉइल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर गुड सॉइल स्ट्रक्चर टीलेज ऑपरेशन शुड बी डन एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन. नेक्स्ट पॉइंट है, सोडियम आयन डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर ड्यू टू डीफ्लॉक्यूलेशन. डीफ्लॉक्यूलेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स. मोस्टली द ग्रासेस एंड लेग्यूम्स इम्प्रूव द ग्रैन्युलेशन ऑफ सॉइल. रूट्स एंड रूट हेयर हेल्प्स टू डेवलप क्रम्बी सॉइल स्ट्रक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट सॉइल स्ट्रक्चर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल डेंसिटी. इट इज मेजर्ड बाय पिकनोमीटर. सॉइल डेंसिटी इज क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स, पार्टिकल डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी. पार्टिकल डेंसिटी मीन्स द वेट ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. इट इज नोन एज पार्टिकल डेंसिटी. इट इज द डेंसिटी ऑफ ओवर ड्राइड सॉइल सॉलिड्स व्हेन द एयर इज एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडिंग द पोर स्पेस. पार्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स. पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल इज 2.66 ग्राम पर सीसी एंड ऑर्गेनिक सॉइल का होता है 2.12-2.4 ग्राम पर सीसी एंड ऑर्गेनिक मैटर का होता है 1.12-1.4 ग्राम पर सीसी. पार्टिकल डेंसिटी को हम रियल और ट्रू डेंसिटी भी बोलते हैं और इसे हम गेन डेंसिटी या फिर एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोल सकते हैं. पार्टिकल डेंसिटी इज लोअर व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड इन द सॉइल. इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मिनरल्स इट इंक्रीजेस द पार्टिकल डेंसिटी. सेकेंड इज बल्क डेंसिटी और अपेरेंट डेंसिटी. इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल टू इट्स बल्क वॉल्यूम विच इंक्लूड्स द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स एंड पोर स्पेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉल्यूम वेट. इट इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द पार्टिकल डेंसिटी बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2.66 ग्राम पर सीसी इंटू 0.5 सीसी इज इक्वल्स टू 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफॉर द बल्क डेंसिटी इज जनरली हाफ ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी. बल्क डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल इज 1.33 ग्राम पर सीसी. बल्क डेंसिटी ऑफ कोर्स टेक्सचरल और सैंडी सॉइल इज 1.4-1.75 ग्राम पर सीसी. बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन टेक्सचर्ड क्ले सॉइल इज 1.1-1.4 ग्राम पर सीसी. बल्क डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज 0.5 ग्राम पर सीसी. बल्क डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सब सॉइल इज 2 ग्राम पर सीसी. सैंडी सॉइल हैव हायर बल्क डेंसिटी देन द क्ले. द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस द बल्क डेंसिटी. कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल इंक्रीजेस द बल्क डेंसिटी. सॉइल विथ लार्ज पोर स्पेस हैविंग लोअर बल्क डेंसिटी. द टीलेज ऑपरेशन डिक्रीजेस द बल्क डेंसिटी बिकॉज इट इंक्रीजेस द पोर स्पेस इन सॉइल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल कंडक्टिविटी. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू आउट द यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल. थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है, थर्मल मीन्स हीट एंड कंडक्टिविटी मीन्स फ्लोइंग. सो द हीट फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी. द थर्मल कंडक्टिविटी इज हाई फॉर सैंडी सॉइल एज कंपेयर टू क्ले सॉइल. सॉइल मॉइस्चर कॉन्टेंट इंक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस. नेक्स्ट पॉइंट है, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल डिक्रीजेस द थर्मल कंडक्टिविटी. द थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन पोरोसिटी एंड टीलेज डिक्रीजेस द थर्मल कंडक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल टेम्परेचर. द डायग्योनल वेरिएशन इन सॉइल टेम्परेचर.
The soil temperature of dry soil is greater than moist soil. Loose soil is having greater temperature than compact soil, and deep soil is having greater temperature than shallow soil. Now next topic is redox potential. The combined action of reduction and oxidation is called as redox. It is measured in millivolt. For well-drained and oxidized soil, it ranges from plus 400 to 700 millivolt. And in waterlogged soil or reduced soil, it ranges from minus 250 to minus 350 millivolt. So this is all about today's lecture. Milte hain next video mein. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल साइंस को ही कंटिन्यू करेंगे. सो स्टे अपडेटेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.